हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। सोनी टीवी का पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। हर हफ्ते कोई ना कोई सेलिब्रिटी अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए शो पर गेस्ट बनकर आते हैं। अभी हाल ही में फिल्म जजमेंटल है क्या कि प्रमोशन के लिए कंगना रनौत इस शो पर आई थी। इस दौरान उनसे कई मजेदार सवाल पूछे गए, जिनमें से एक था कि अगर आप इस देश की प्रधानमंत्री होती तो आप इस फिल्म इंडस्ट्री में किस किस को कौन सा विभाग संभालने को देती। इस पर कंगना ने कई सेलिब्रिटीज के नाम लिए। साथ ही आपको बता दें कि कंगना ने शो के दौरान करण जौहर के बारे में जो कहा उससे लोग पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हैरान है। जी हाँ, बता दें कंगना ने वित्त मंत्रालय इस विभाग के लिए शाहरुख खान का नाम लिया। उनका कहना था कि शाहरुख का अपना खुद का स्टूडियो है और वो सबसे अमीर स्टार में से एक माने जाते हैं, इसी कारण से वो वित्त मंत्रालय के लिए सबसे उचित होंगे। गृह मंत्रालय के लिए कंगना ने करीना कपूर का नाम लेते हुए कहा कि करीना अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने पति का और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने करियर को भी अच्छे से संभाला हुआ है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए कंगना ने करण जौहर को चुना। कंगना ने कहा क्योंकि करण को बातें करने बहुत अच्छा लगता है, जिससे जुड़ा उनका एक शो भी आता है, वो शो है कॉफी विद करण, जिस पर वो स्टार से काफी अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कि करण तो बिना किसी झिझक के किसी से ये भी सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने आज किस रंग के अंडरगार्मेंट्स पहने हुए हैं। तो इसी कारण से करण के अलावा इस विभाग को कोई और नहीं संभाल सकता। जी हाँ, कंगना ने सीधा सीधा करण की पोल खोल दी है कि वो बिना किसी हिचक के, झिझक के किसी के भी अंडरवेयर का कलर पूछ सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी कंगना रणवीर कपूर से लेकर आलिया भट्ट और करण जौहर तक को अपने निशाने पर ले चुकी हैं। एक बार फिर कंगना ने करण जौहर पर अपना विवादित बयान दे दिया है। इससे पहले कंगना ने करण जौहर को लेकर काफी कुछ कहा था। वो अक्सर बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा उठाती रहती हैं। कंगना काफी समय से अपनी आने वाली फिल्मों से पहले विवादों में घिर जाती हैं। हाल ही में जजमेंटल है क्या फिल्म के एक गाने के लॉन्च के वक्त भी कंगना एक जर्नलिस्ट से भिड़ गई थी, जिसके बाद इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ने उन्हें बैन करने के बारे में भी कहा था। जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? सच लिखता हूँ। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? Kangana, I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Since you mentioned. No, Kangana, I really mean to ask. It's not fair for you to sit on that podium. You are bashing my film, Manikarnika. Have I done a mistake by making a film on you are calling me a jingoistic woman who's Kangana, making a film on nationalism. Kangana, is it my mistake to make Kangana, a film if on... If I may, with your permission, I did not even tweet anything about Manikarnika, so... I will send you, and I respect, of course, I don't know. This is not the right way, Kangana. You cannot intimidate a journalist because you are at the power position here. Can Sorry. We have the no, of buddy, course no, because I didn't start it. You Sorry. Are inti- yeah. Ek second. Aap chillana band kijiye. Aap chillana band kijiye. Aap kijiye. Lekin ek second. Ek second. No, bro, there is a reason why I'm here. Chill karenge aap. Can we please chill? नहीं। आपको बता दें, जजमेंटल है क्या के अलावा कंगना फिल्म पंगा और धाकड़ में भी नजर आने वाली है। आपकी क्या राय है करण के लेकर कंगना के इस बयान पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज़। शुक्रिया।